हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फोर शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये और आपको मजा भी आएगा इसका पढ़ने में ठीक है ना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायोसवर्ट लॉ चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने बायोसवर्ट लॉ देखो बेटा बेसिकली ये लॉ यूज़ होता है किसी भी कंडक्टर के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ठीक है अब देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे और अगर जब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम इंटीग्रेट करेंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी हम मान लेते हैं एक कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है कंडक्टर कैसे भी हो सकता है अभी हम जनरल फॉर्म में ड्राइव करेंगे फिर हम अलग अलग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे सर्कुलर रूप में कैसे होगा स्ट्रेट कंडक्टर में कैसा होगा ठीक है मान लेते हैं बेटा ये एक कंडक्टर है ठीक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ये एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भाई मुझे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हम एक काम करेंगे इसमें करंट एलिमेंट छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ऑफ लेंथ डी एल ठीक है हम इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ऑफ लेंथ डी एल यह डीएल एलिमेंट इस पी पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे है मान लेते हैं ये डीएल एलिमेंट इस पी पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पर है क्लियर ठीक है तो बेसिकली जो हम वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं इज इज अ अ चलिए अब मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन डी एल एन आर इसको मान लेते हैं थीटा इस एंगल को, को हम मान लेते हैं थीटा ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है तो ये तीन चीजें हमने यहां पे कंसीडर करी हैं। सबसे पहले डीएल वेक्टर, डीएल हमारा क्या है यहां पे? एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल क्या है एक स्मॉल करंट एलिमेंट दूसरा जो हमने कंसीडर किया है आर वेक्टर, आर वेक्टर यहां पे क्या है इट इज अ पोजिशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए आप जो टर्म्स यूज कर रहे हो बेसिकली क्या चीज है तीसरा जो हमने यूज किया है दैट इज थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अब देखो अब हमें इसका, इस डीएल स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकालना है पहले मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू बायोसवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखेंगे हम ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वैक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर पहली चीज देखो इस लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है तो ये डी बी वैक्टर जो होगा इट विल बी डी बी सॉरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ डी एल थर्ड डी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा साइन थीटा ठीक है इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं वैसे इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है बट हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं और फोर्थ होगा डीबी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इन चार चीजों पे डिपेंड होगा ठीक है डीबी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट डीबी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी एल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्कवायर आर क्या है डिस्टेंस पोजिशन वैक्टर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड दैट डीएल एलिमेंट होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा डी इसका मतलब है ये चार इक्वेशन लिखी है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड है ठीक है किन किन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क पड़ सकता है ठीक है करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा एंगल इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा ठीक है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आप किसी भी कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी अब इस हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहें हम इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे अब देखो यहां पे हम लिखेंगे इसको ऐसे कर लेते हैं हाँ अब देखो यहां लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग या कंपेयर करना या फ्रॉम अब इक्वेशन इक्वेशन की जरूरत नहीं है इक्वेश को हटा दो सीधे सीधे लिख देते हैं ठीक है ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर करके कंपेयर uh, क्या करना है कंबाइन करना सॉरी सॉरी ऑन कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग चार इक्वेशन जो हमने बनाई थी इक्वेशन की सिंपली नॉर्मली कंबाइन कर दो तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी डी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा जब हमने कुलम्स लॉ पढ़ा था तो एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने कोई कॉन्स्टेंट यूज किया था वहां पे क्या था वन अपॉन फोर पाई एपसाल इसी तरीके से यहां मैग्नेटिक फील्ड में भी यही काम करेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट यूज करने जा रहे हैं बस वहां पे वन बाय फोर पाइव साइन नोट था ठीक है तो यहां पे क्या आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर या डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हमारा क्या बना ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मैग्निट्यूड निकालने का फॉर्मूला अभी इसमें डायरेक्शन नहीं आया है और ना ही ये वेक्टर फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया है ठीक है चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं अब यहां से यहां से आगे बात करेंगे दूसरी बात हमें पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन इंक्लूड करना है डायरेक्शन इंक्लूड कैसे करेंगे देखो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई अभी मैं आपको वैल्यू बताऊंगा म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू क्या होती है कैसे यूज करना है हमें अब देखो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर देखो हमने आर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा डिवाइड मल्टीप्लाई करने का जो रीजन था वो ये था देखो डी आर डी एल आर साइन थीटा इस पार्ट को देखो इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है और ए बी साइन थीटा क्या होता है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अगर आपको याद होगा वेक्टर आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो यहां से हम लिख लेंगे डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू यहां से हमने ये वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिख लिया है ठीक है यहां से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है अच्छा डायरेक्शन क्या होगा देखो एक चीज यहां पे और लिख लो देखो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ क्टर डीएल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा अब डीएल क्रॉस आर हम राइट हैंड थंब रूल निकालते थे क्लास इलेवेंथ के वेक्टर में उसके रूल्स भी था राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड थंब रूल ठीक है मैक्सवेल कॉक्स को रूल तो ये सारे रूल्स हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताते हैं ठीक है मैं भी इस वीडियो के लास्ट में आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं ठीक है चलिए अब वेक्टर फॉर्म के बाद कुछ केसेस की बात कर लेते हैं जो इसमें हमारी यूज होंगी सबसे पहले केस वन केस वन अब देखो केस वन क्या है अगर थीटा नाइन्टी डिग्री है एट थीटा इज इक्वल टू चलो नाइन्टी जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा क्या है देखो थीटा थीटाज़ एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वैक्टर अभी अभी मैंने बताया देखो थीटा क्या है हम पी पॉइंट लेंगे तो ये एंगल जो है दैट इज थीटा अगर थीटा जीरो हो जाए अगर थीटा जीरो हो जाए मतलब डी एल और आर के जो हैं एक ही डायरेक्शन में हो जाए उस केस में देखो साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा मतलब साइन जीरो डिग्री और साइन जीरो हमारा जीरो होता है दैट मीन अगर यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे डीबी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन जीरो अपॉन आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू जीरो मतलब ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो क्लियर चलो केस नंबर टू देख लेते हैं केस सेकंड क्या कहता है एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नाइन्टी डिग्री पे साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन नाइन्टी डिग्री और साइन नाइन्टी क्या होता है वन डेट इज अ मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल आर स्क्वायर वो मैक्सिमम होगा दिस विल बी मैक्सिमम इसे हम लिख भी लेते हैं दिस विल बी मैक्सिमम ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इनकी एसआई यूनिट की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट एसआई यूनिट होती है टेस्ला एसआई यूनिट क्या होती है टेस्ला अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है हम अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखते हैं जैसे इफ आई इज इक्वल टू वन एम्पियर रख सकते हैं करंट हमारा वन एम्पियर है दूसरा हम स्मॉल एलिमेंट डी एल वन मीटर ले लेते ले ले हैं आर भी वन मीटर ले लेते ले ले हैं थीटा भी 90 डिग्री ले लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री रख लेते हैं ठीक है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ से यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालेंगे देखो डी बी इज इक्वल टू अब देखो म्यूनोट बाई फोर पाई अच्छा म्यूनॉट बाई फोर पाई की तो वैल्यू हमने बताई नहीं आपको म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है टू पावर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये पीछे बताना था थोड़ा सा सॉरी मिस हो गया तो म्यूनोट अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है टेंट दावर माइनस सेवन अगर हम यहाँ से खाली मीनोट की वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं अगर खाली मीनोट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा फोर पाई इंटू टें पावर माइनस सेवन ठीक है न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये चीजें ध्यान रखिएगा अब इस कंडीशन को पुट करो देखो ये म्यूनोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे एक मिनट हाँ। वैल्यू क्या माइनस सेवन फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन पुट कर देते हैं आई हमारा डीएल है भी वन मीटर है, है थीटा नाइनटी है और नीचे क्या आया हमारा पास फोर पाई फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया यानी कि हमारे पास आया टेन टू दावर माइनस सेवन टेस्ला इसको लिखवाने का क्या मतलब था कि हम वन टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं यहां से ठीक है वन टेस्ला को हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से क्लियर अच्छा अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस सिमिलैरिटी और डिफरेंस किसके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो हम मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस पढ़ेंगे चलिए ये देखो सिमिलैरिटी सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं

अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो बी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द वेक्टर सोर्स फ्रॉम द वेक्टर सोर्स अब इस वेक्टर सोर्स का क्या मतलब है देखो आप लिख रहे हो ना डीबी टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्लियर हम लिख रहे हैं ना ये चीज तो ये जो हमने यहां पे लिखा है ये वेक्टर सोर्स है ठीक है ना डी एल एलिमेंट इज अ वेक्टर सोर्स और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स देखो हमारा एफ क्या होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो क्यू चार्ज क्यू क्या है स्केलर तो ये ड्यू की जो स्मॉल चार्ज होगा वो क्या है स्केलर सोर्स डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है जो B का डायरेक्शन होगा वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा लेकिन इसमें द डायरेक्शन ऑफ अच्छा ये B नहीं होगा ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और तीसरा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं सारे डिफरेंस है देखो ये सारे हमने डिफरेंस हैं जो आपके काम आ सकते हैं कभी पूछ लिया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फोर्स होती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एंगल थीटा पे डिपेंड होता है थे। आपके नोट्स में काम आ जाएंगे क्लियर है अब हमें मेन जो यहाँ पे बात करनी है वो करनी है हमने स्केलर फॉर्म तो कर लिया बट डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए देखो हमें राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल पता होना चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहां पे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल क्लियर चलिए राइट हैंड थंब रूल शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल के लिए देखो मैं यहां पे आपके सामने दो चीजें बनाऊंगा एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या मी चेक ओके चलो अब देखो डायरेक्शन के लिए मैं आप डायग्राम बनाता हूं उससे पहले मैं आपको याद दिला एक चीज आपको प्रिपेयर कर लेनी है कि मान लेते हैं आपने एरो देखा होगा इस तरीके का होता है ठीक है ये जो हमारा एरो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ये ठीक है ये जो धनुष तीर वाला तीर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है तो जो इसका पीछे का पार्ट है ठीक है ये जो हमारा पीछे का पार्ट है ये कहां पे? ये है इनवर्ड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ड और जिस तरफ जाता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आउटवर्ड क्योंकि अगर आपके सामने एरो जो आ रहा होगा वो एक बिल्कुल पॉइंट शो करेगा तो वो जो टिप है पॉइंट ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड और ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इनवर्ड तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे आउटवर्ड और इनवर्ड वो इसी के बेसिस पे शो करेंगे पॉइंट पे और क्रॉस के बेसिस पे ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को हम इसी बेसिस पे शो करेंगे तो हमारा पहला है राइट हैंड थंब रूल अब राइट हैंड थंब रूल को देखो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ मान लेते हैं ये हमारा दो कंडक्टर है ठीक है एक कंडक्टर यह है दूसरा कंडक्टर यह है क्लियर ये पॉइंट पी यहां है इस कंडक्टर के लिए पॉइंट पी यहां है ठीक है दोनों में ही करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में दोनों में ही करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में अब देखो डीएल एलिमेंट ये है और यहां से यहां तक जो की जो डिस्टेंस है इसकी वो आर ले लेते हैं आर ठीक है अब दोनों ही एलिमेंट में इसमें भी डीएल ले लेते हैं देखो और ये आर अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एंगल थीटा इसका भी एंगल थीटा ये हो गया आर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल देखो राइट हैंड थंब रूल क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था कि अगर हम स्टेट कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे और करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे तो जहां पे हमारी फिंगर्स कल curl, करती है एट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे भी कुछ इसी तरीके से होगा बस थोड़ा सा चेंज है यहां पे हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे डीएल क्रॉस आर का ठीक है अब देखो डीएल से आर की तरफ अब देखो डीएल से आर की तरफ इस डायरेक्शन में ध्यान देना डीएल से आर की तरफ दोनों साइड में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखो डीएल टू आर थंब इन्वर्ट जा रहा है ये दिख रहा है आपको डीएल से आर यहां कैसे जा रहा है इनवर्ड तो यहां क्रॉस पुट करोगे डीएल से आर ठीक है ना इन, ये आपका इनवर्ड है और इसी तरीके से यहां से हम जाएंगे डीएल से आर की तरफ इस वर्ड तो ये पॉइंट करेगा आउटवर्ड यहां डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड यहां डायरेक्शन हो गया इनवर्ड ठीक है अब देखो कैसे पता लगा कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड है आप पहले वाले केस में देखो इस वाले फर्स्ट वाले केस में देखो फर्स्ट वाले केस में आप डीएल से आर की तरफ जा रहे हैं तो मेरे को भी देख सकते हो यहां से मैं वैसे देखूंगा नहीं आपको छोटा दिख रहा लेकिन आप मेरे को मैं आपने अब आप देखो थोड़ा सा मैं बड़ा दिख जाऊंगा आपको चलिए अब देखो देखो बेटा जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट था अब ये डीएल से हम आर की तरफ जा रहे हैं, तो एक थंब आउटपुट पहला केस देखो फर्स्ट केस फर्स्ट केस आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना डीएल जैसे मान लो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर के यहां पे हमने क्या रखा है देखो डीएल से आर की तरफ अगर हम अपने हैंड को ऐसे घुमाएंगे

फर्स्ट केस में मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और सेकंड केस में जब ये पी पॉइंट इस साइड है पी पॉइंट राइट साइड है तो इस साइड में हम डीएल हाथ ऐसे करेंगे तो इनवर्ड आप की तरफ जा रहा है ठीक है ऐसे हम राइट हैंड रूल को यूज करके डायरेक्शन निकालेंगे ठीक है बेटा ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे पासज में आइए अब इसी तरीके से दूसरा जो मेथड है वो भी देख लेते हैं दूसरा भी बहुत आसान है पाम रूल इसी तरीके से पाम रूल है इसको भी देख लेते हैं मान लेते हैं देखो एक केस ये है हमारा पॉइंट पी इस तरफ ही है अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें मान लेते हैं पॉइंट पी यहां है ठीक है ये करंट आई है और ये हमारा स्मॉल एलिमेंट डी एल है और ये इसकी डिस्टेंस है ध्यान देना पाम रूल मतलब आप फिर से मेरे को देखो पहले इसमें से देख लो फिर मेरे को देखना मतलब हम डीएल एलिमेंट से चलेंगे उस पॉइंट की तरफ जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे ठीक है उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे इस तरीके से अब आप स्क्रीन पे मेरे पास देखो क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा देखो देखो बेटा ये कंडक्टर था इधर पी पॉइंट है मान लेते इधर पी पॉइंट है तो हम यहाँ से ठीक है डीएल एलिमेंट से पी की तरफ जाएंगे और थम हमारा करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा ऊपर जा रहा है करंट देखो स्क्रीन पे देखो ऊपर जा रहा है ना करंट अब थम हमारा कहाँ पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन पे अब करंट के डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंट पे ले आना है तो हम अपने हाथ को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे पी पॉइंट पे और पी पॉइंट पे ले जाके अपने पाम को ओपन करेंगे तो जहां हमारा पाम होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो देखो पहले केस में जो हमने बनाया है इस केस में डायरेक्शन आ आ आ रहा 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 है 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 इस केस में डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, है. है. इनवर्ड अगर यही चीज पॉइंट पीछे होता तो हम देखो बैकवर्ड ड्रैगिंग नहीं कर सकते बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड बैकवर्ड ड्रैग नहीं करते कभी भी हम करंट एलिमेंट से, से पीछे नहीं आएंगे बैकवर्ड ड्रैग नहीं करेंगे हमेशा आगे जाएंगे तो ऐसे केस में हमें टर्न होना पड़ेगा अब देखो पॉइंट इस साइड है।, है।, है दूसरी साइड है जब पॉइंट हमारा दूसरी साइड है ऐसे केस में देखो क्या होगा मेरे को देखो इधर पॉइंट अब हम एलिमेंट देखो हम हमारा ऊपर है ऊपर है बट ध्यान रखना थम ऊपर है लेकिन पॉइंट कहां है पॉइंट इधर है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है मतलब हमें टर्न होना होगा अब हमें टर्न होना होगा और हम जाएंगे पॉइंट पी की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जा रहे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं देखो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएंगे पी पॉइंट पे जाके थम खोल दो तो, तो देखो ये आउटवर्ड आ रहा है ठीक है आपके स्क्रीन पे देखो आउटवर्ड आ रहा है इस तरीके से तो यहां पे इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ मैग्नेटिक फोर्स हुआ वो किधर है आउटवर्ड है किस तरफ है बेटा आउटवर्ड तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे आउटवर्ड ठीक है हम इसको लेके जाएंगे ऐसे करके और ऐसे करके लेके जाएंगे थम रखेंगे और अपना पाम खोल देंगे यहां से इस तरफ से लेके जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड ध्यान रहे मैं आपको दोबारा बता देता कि बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड है ना बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड बैकवर्ड ड्रैग नहीं करना है आपने ठीक है तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था बायोसवर्ड लॉ के बेसिस पे अब मेन आता है इसका सेकेंड केस में पड़ेंगे इसका एप्लीकेशन सेकेंड केस में इसमें इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उस वो बहुत इंटरेस्टिंग है मजा आएगा ठीक है नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं थैंक यू